हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त किरण ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि YouTube पर जो बैनर है वो किस तरह से हमको सेट करना है। तो गाइस, होता क्या है, वो ऑटोमेटिकली ही क्रॉप हो जाता है एंड जो कुछ भी हमने उसके अंदर सेट किया होता है वो ऑटोमेटिकली ही क्रॉप हो जाता है और उसके अंदर कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें जो है दिखाई नहीं देती हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ कि आपको बैनर किस तरह से सेट करना है और उसका जो एरिया है वो कितना रखना है ताकि वो यूट्यूब पर जो है पूरा क्लियर दिखाई दे। एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह की नॉलेज पाते रहें। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, जो YouTube का जो बैनर है वो आपके चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो चैनल का बैनर है वह लोगों को ज्यादा काफी अट्रैक्टिव करता है। तो आपका जो बैनर है बहुत ही अच्छा होना चाहिए और उसको सेट किस तरह से करना है, किस तरह से अपलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं कि बैनर किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले हम YouTube पर चलते हैं। गाइज, ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, और अब हम जाएंगे योर चैनल में। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर जो है अपना एक ऑलरेडी बैनर लगाया हुआ है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से बैनर को सेट करना है, उसका साइज क्या रखना है, वो देखते हैं। गाइज, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जो है बैनर का साइज 2560 एंड 1440 बैनर का साइज है, ये पिक्सल के अंदर कितना होना चाहिए, 2560 और 1440। तो मैंने एक बैनर बनाया हुआ है 2560 और 1440 इसका साइज है। इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। इसका जो कलर है वो हम RGB रखेंगे। अगर हम इसका कलर CMYK के रखेंगे तो ये जो है YouTube पर अपलोड नहीं होगा। ओके कर देता हूँ मैं, अब यहाँ से मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, अब ये जो है शो कर रहा है कि डेस्कटॉप पर ये ऐसा दिखेगा, TV में ऐसा दिखेगा और मोबाइल के अंदर ऐसा दिखेगा। एडजस्टमेंट क्रॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये इसके बीच वाला एरिया है ये शो कर रहा है इतना क्रॉप। तो गाइस, जो डेस्कटॉप पर है, यूट्यूब पर है, जो ये बैनर शो होगा वो इतना शो होगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, देखिए गाइस, हमने जो बैनर का साइज है एक्यूरेट वही लगाया था जो कि यूट्यूब पर शो हो रहा था, लेकिन बैनर जो है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है वहाँ पे अभी। तो हमको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बैनर जो है किस तरह से आप सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एड चैनल आर्ट, हम एक बार दोबारा से इसको लेकर आते हैं। एडजस्ट करते हैं, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है साइज ले लेते हैं जो कि YouTube पर दिया हुआ था, वही वाला साइज हम रखेंगे। इसको इसके अंदर पावर क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसको हम
क्या करते हैं। अब जो ये क्रॉप वाला एरिया है, हमको इतना एरिया सिलेक्ट करना है और हमको अपना कंटेंट जो है इसके अंदर ही डालना है। मींस ये जो क्रॉप वाला सेक्शन एरिया है, इस एरिया के अंदर हम अपना कंटेंट रखेंगे। वो मैंने एक बैनर बनाया हुआ है, वो मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इस बैनर को हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और क्लिक कर देते हैं बैकग्राउंड, हम लेकर आते हैं यहाँ पे। ये काम आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप हम इसको सपोर्ट करेंगे सेम पैटर्न में। देखिए ये अब इसके अंदर कुछ भी क्रॉप नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली, ठीक है।